मैं खड़ा हूँ आज खत समालटा के, जहाँ पर 23 तारीख को चालदा महाराज का आगमन हो रहा है। चालदा महाराज वर्तमान समय में मोहना में है और वहाँ से प्रवास पर 23 तारीख को चालदा महाराज ही समालटा आएंगे। मैं ये पीछे आप बैनर देख रहे हैं, ये तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के समालटा में सारी योजना बन रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस स्थान पर 23 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और मुझे लगता है कि कोरोना के बाद लोगों को घर से बाहर निकलने का एक मौका मिल रहा है। आध्यात्मिक जागरण के दृष्टि से जौनसार बावर में एक लोगों के अंदर बड़ी उत्सुकता है, लोगों के अंदर देवता के प्रति बड़ी श्रद्धा है, तो कोरोना के बाद लोगों को एक घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, तो परिणाम स्वरूप इस स्थान पर 23 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में जौनसार बावर के, हिमाचल से, उत्तरकाशी से, त्रिवेणी से बहुत लोग आने वाले हैं। और ये चालदा महाराज की प्रवास यात्रा यहाँ लगभग 70 साल बाद हो रही है। निश्चित रूप से मैं आपको कुछ व्यवस्थाएं दिखा रहा हूँ कि यहाँ ये रोड है, इधर मालकी पोखरी है, मालकी पोखरी से इस रोड से लोग ऊपर से नीचे आएंगे, सैया से जो रोड आता है उससे भी ऊपर को लोग आएंगे। पार्किंग के लिए इन्होंने बहुत पर्याप्त व्यवस्था यहाँ की है, इसके बावजूद भी जाम जैसी स्थिति बहुत रहेगी, तो कहीं ना कहीं समिति को उस बात को पहले से ही सोचना पड़ेगा कि ताकि हम जाम से बचें। मैं दिखा रहा हूँ कि जब हजारों लोग यहाँ पर आएंगे 23 तारीख को, 22 तारीख को और 21 तारीख से लोग आना प्रारंभ करेंगे, तो किस प्रकार से लोग भोजन करेंगे। पिछली बार मैं नराया में था, कोटा तपलाड़ में, जो चालदा महाराज निचले वाले चालदा महाराज है उनका एक बड़ा कार्यक्रम था, तो उस दौरान भी हमने देखा है कि बहुत लोग आए हैं। हम यहाँ ये देख रहे होंगे खंभे लगे हैं और खंभे के ऊपर ये देवदार का फट्टा लगा है, और ये हम जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनको मैट पर बैठ करके या जूते उतार करके बैठने की जरूरत नहीं है, सीधे उनको प्लेटें यहाँ लगेगी, प्लेटें लग करके खड़ा खड़ा अपना भोजन, 5,000 लोग एक ही समय में एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं। पिछली वाले जो खेत है लगभग मुझे लगता 20 बीघे के आसपास, 20 बीघे एरिया में लगभग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ तमाम लोग रहेंगे, इधर अपना गांव है और ये मंदिर का पृष्ठभाग मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर देवता विराजित होंगे, इसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हो चुकी है। तो ये तमाम व्यवस्था मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि इधर भोजन की व्यवस्था होगी, ये लकड़ी देख रहे हैं हम, इसके बावजूद भी गैस और तमाम तरीके से यहाँ पर व्यवस्था हो रही है। और जैसे मैंने कहा है कि चालदा महाराज के प्रति बहुत लोगों की आस्था और श्रद्धा है, तो ये समालटा गाँव है जो लगभग 9 गाँव का एक समूह है, एक खत है, सामने वाला जो पट्टी है वो उत्पालटा खत की आती है। और इसी स्थान पर जहाँ पर हम आज खड़े हैं, यानी 22 अक्टूबर को लोक पंचायत अपने स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम किया था, और ठीक उसके एक महीने बाद यहाँ पर जौनसार बावर के जो आराध्य महाशुदेव है, जो यानी ऊपर वाले जौनसार के महाशु चालदा महाराज है, उनका यहाँ पर आगमन हो रहा है, उनका मोहना खत यहाँ प्रवास हो रहा है। तो चूंकि व्यवस्थाओं को देखते हुए हम सब लोग यहाँ आए थे और बहुत ही सुंदर व्यवस्था इन लोगों ने की है, मैं महाराज जी से भी प्रार्थना करूंगा कि ये कार्यक्रम जो समालटा में होना है ये बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो। व्यवस्थाओं में लोग जुटे हुए हैं, स्वयं के संसाधनों से लोगों ने यहाँ के लिए भंडारे की व्यवस्था की है, यहाँ के लिए जो धन वगैरह खर्च होना है उसके लिए व्यवस्थाएं की है, और तमाम खत के लोग लगे हुए हैं। और अच्छी बात यह कि पूरे ही खत में मैं अभी कई गाँव का भ्रमण करके आ रहा हूँ, तो सभी ने जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए अपने घरों में भी व्यवस्थाएं की। और समालटा की तो गलियां, समालटी कई गाँव के अंदर की जो छोटी छोटी गलियां हैं, नालियां हैं, सबको बहुत सुव्यवस्थित किया है। प्रत्येक मकान में कहीं ना कहीं रिपेयरिंग के काम हो रहे हैं, देवता के प्रति जौनसार बावर क्षेत्र की आस्था बनी रहे। हम सब लोग उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, उसी अनुरूप आज समालटा में हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि 23 तारीख को व्यवस्था का जायजा लेने हम आए थे, तो संपूर्ण व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से यहाँ के खतवासियों ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डिग्री कॉलेज साइया में, और यहाँ पर जो 23 नवंबर को समालटा में महाराज जी का आगमन हो रहा है, माशु चालदा महाराज का आगमन हो रहा है, उसकी तैयारी को लेकर के यहाँ जो प्रसाद वितरण होना है, प्रसाद कैसे दिया जाएगा, और क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है और इसलिए प्रसाद भी उसी रूप में बनाया गया। ये बोरे में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये प्रसाद के भरे हुए हैं ये तमाम बोरे, और एक ये देखिए ये तमाम बोरे भरे हुए हैं। इन्होंने एक और अच्छा प्रयोग किया है कि जो भी प्रसाद वितरित किया जाएगा वो ये जो पैकेट बनाए उसमें पूजा सामग्री है, प्रसाद है, और जय श्री चालदा महाशु महाराज जी और चालदा महाशु मंदिर समिति समालटा के माध्यम से ये बैग वितरित किए गए हैं। एक ये पॉलिथीन है, इसमें क्या क्या सामग्री रखी गई है, क्या क्या ये व्यवस्था है, मैं अनिल जी हमारे साथ है, मैं अनिल जी इस संबंध में बताएंगे। नमस्कार, ये अभी जो 23 तारीख को हमारे यहाँ चालदा महाराज विराजमान होने वाले हैं,
इसके बाद सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रसाद समिति द्वारा पास किया गया है, जिसमें दो प्रकार के बैग तैयार किए जा रहे हैं, और जिसमें सफ़ेद दाना, मुरमुरे और ये श्री चांदा मासू महाराज की जो चुन्नी है, इनमें सब में, और हर पैकेट में आप अगर देखेंगे तो चाहे वो बैग हो या धूपबत्ती हो या जो भी हो, उन सब में चांदा मासू महाराज का वो है, और ये प्रसाद है, जो प्रसाद की जो पैकिंग है वो प्रसाद, इसमें भी श्री चांदा मासू महाराज के वो पर्ची डली है। ये बैग है, ये सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाया गया है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, जरूर आइए श्री चांदा मासू महाराज के देव दर्शन के लिए, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हम बात कर रहे थे श्रीमान अनिल तोमर जी, जो SMR डिग्री कॉलेज के चेयरमैन भी है और जो मंदिर समिति है उस मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं, और तमाम व्यवस्थाएं प्रसाद को लेकर के की गई है। मैं आप लोगों को ये इसलिए साझा कर रहा हूं कि 23 तारीख को समालटा में एक बहुत बड़ा महाराज जी के आगमन पर एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। निश्चित रूप से जो लोग वहां आएंगे उनको ये प्रसाद इस पैकेट में मिलेगा, यानी विधिवत इन लोगों ने तैयारी के तमाम यहाँ पर रखे हुए हैं सारा। किसी को भी बाहर से प्रसाद लेने की आवश्यकता नहीं है, जो लोकल दुकानदार वहाँ है वहाँ विधिवत प्रसाद मिलेगा। तो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था समालटा में होने वाले आयोजन की तैयारी को।